हेलो गाइस, तो इस वीडियो में देखेंगे ये पार्ट मल्टीपैड कमांड की मदद से कैसे क्रिएट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो, सबसे पहले मैं इस पार्ट का ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा। तो मैं ये टॉप लाइन सिलेक्ट करता हूँ और स्केच पोजिशनिंग करता हूँ, और अब इस प्लेन पे मैं इसका स्केच ड्रॉ करता हूँ। हमें इसका लेंथ दिया गया है 108 mm। इंक्लाइन लेंथ है 11 mm। सिमिलरली ऊपर के साइड में, और इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है 45 डिग्री का। इसके बाद सेंटर से ऊपर तक लेंथ है 25। सिमिलरली नीचे भी हो जाएगा 25 mm। इसके बाद अब मैं ये बीच का सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जिसका डायमीटर हमें दिया गया है 28 mm। सर्कल के सेंटर से एक साइड का डिस्टेंस है 40 mm, सॉरी सर्कल का सेंटर और ये एक साइड का डिस्टेंस 40 mm। इसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन से लेके सर्कल के सेंटर तक डिस्टेंस है 13 mm। इसके बाद मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इस लाइन को मैं मिरर करता हूँ निचले साइड में। दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 22 mm। अब मैं ये पीछे के दो आर्क ड्रॉ करता हूँ। हमें इस आर्क के रेडियस दिया गया है 40 mm और 60 mm। इसके बाद मैं दो सर्कल क्रिएट करता हूँ, जिसका डायमीटर हमें दिया गया है 10 mm। और इस सर्कल को सिलेक्ट करके मिरर करता हूँ निचले साइड में। आप ड्राइंग में देख सकते हो, हमें ये दो सर्कल 50 mm रेडियस के आर्क पे दिए गए हैं। तो अब मैं ये डिस्टेंस देता हूँ इस सेंटर से लेके इस छोटे सर्कल का 50 mm। इसके बाद हमें यहाँ पे एंगल देना है 18 डिग्री का। ये एंगल देने के लिए मैं एक सेंटर एक्सिस क्रिएट करता हूँ। इस पॉइंट से छोटे सर्कल के सेंटर तक, तो ये मैंने एक्सिस क्रिएट किया है, और अब सेंटर से एक्सिस तक एंगल है 18 डिग्री का। तो अब मैं इस लाइन का एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम करने जा रहा हूँ। और ये मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर दिया है। इसके साथ ही हमारा स्केच कंसिस्टेंट हो चुका है। तो इस स्केच को मल्टीपैड करने से पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट काम करने बाकी है। तो सबसे पहले हमें इस स्केच में जो हमने रेफरेंस एलिमेंट यूज किए हैं, उसे हमें ऐड करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक ही एक्सिस जो कि हमने रेफरेंस एलिमेंट क्रिएट किया था, उसे मैं अब हाइड करता हूँ।
तो इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये कि हमें इस स्केच को ब्रेक करना होगा। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो, अलग लोकेशन पे ये पार्ट अलग वैल्यू से पैड हुआ है, तो इसके लिए हमें इस स्केच को ब्रेक करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारी एक सिंगल लाइन है, लेकिन हमें पता है ये लाइन डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट वैल्यू से पैड हुई है, तो इसके लिए हमें इसे ब्रेक करना होगा। तो उसके लिए मैं क्विक ट्रिम कमांड सेलेक्ट करता हूँ। जैसा ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, स्केच टूल्स में आप देख सकते हो तीन नए कमांड ओपन होते हैं, उसमें से हमें लास्ट वाला जिसका नाम है ब्रेक एंड कीप सेलेक्ट करना है। और हमें स्केच में जहाँ पे भी इंटरसेक्शन दिख रहा है उसे हमें ब्रेक करना है। तो ये हमारा सिंगल लाइन है, तो अब ये ब्रेक करने के बाद चार हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा सिंगल लाइन चार हिस्सों में बढ़ चुका है, 1, 2, 3 एंड लास्ट वाला 4। सिमिलरली निचले साइड में, इसके बाद हमें इस वर्टिकल लाइन पे भी इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो इस लाइन को भी तीन हिस्सों में ब्रेक कर दूंगा, 1, 2 एंड 3। और इस बीच के सर्कल को भी हमें ब्रेक करना होगा चार हिस्सों में। वन टू थ्री फोर। तो हमने जहाँ पे भी हमें इंटरसेक्शन दिख रहा है वो हमने ब्रेक एंड कीप की मदद से ब्रेक कर लिया है। तो इसके साथ ही हमारे स्केच मल्टीपैड कम करने के लिए रेडी है। तो अब मैं इस स्केच को एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ और मल्टीपैड कमांड सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो हमें 9 नंबर ऑफ डोमेन दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ लेंथ देना है। तो मैं फर्स्ट डोमेन सिलेक्ट करता हूँ जो है होल, उसका पैड वैल्यू हो जाएगा 0 क्योंकि वो थ्रू आउट होल है। सेकंड डोमेन है ये इसका, तो इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 22 mm। इसके बाद थर्ड डोमेन है ये सर्कल जो हमें थ्रू आउट होल दिया गया है, उसका थिकनेस हो जाएगा 0। फोर्थ डोमेन है ये वाला हिस्सा, इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 28 mm। फिफ्थ डोमेन है ये हिस्सा, इसका पैड वैल्यू है 18 mm। सिक्स नंबर का डोमेन है ये वाला हिस्सा, इसका पैड वैल्यू है 22 mm। सिमिलरली सेवन डोमेन हो जाएगा 22 mm। एट वाला डोमेन है लास्ट वाला जिसका पैड वैल्यू है 28 mm। और नाइन्थ वाला है होल जिसका वैल्यू है 0। तो अब मैं इसे ओके करता हूँ और इसके साथ ही हमारा एक पार्ट मल्टीपैड कमांड की मदद से क्रिएट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।